नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, क्लास 10th। इस टॉपिक पर अभी तक मैंने पार्ट 8 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल रिविजिट इरेशनल नंबर्स। यहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सी, इरेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एस। एस का मतलब है सर्ड्स। सो सर्ड्स, सर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे 7 पर कोई भी पावर लगा दी जाए, 1/5, तो उसको इंटीजर के तौर पर नहीं व्यक्त किया जा सकता। इसी तरीके से 6 पे 1/3, या 3 पर 1/2। 3 पर अगर 1/2 पावर लगाई जाएगी तो ये √3 हो जाएगा। दीज आर इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। क्यू फॉर्म ऐसी संख्याओं को जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में न व्यक्त किया जाए उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोज आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कंप्लीट नंबर्स, इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। सो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। √4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो √4 नहीं आएगा। जो कि दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो उन सबका रूट, रूट ऑफ कैसा रूट? स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब 1/2। सो स्क्वायर रूट यानी 1/2 रूट। स्क्वायर रूट यानी हाफ रूट ऑफ, जो भी ऐसे नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जबकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2 का, तो 4 नहीं ले सकते हैं। तो वे सभी नंबर्स जिनको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स में पाई भी आ जाता है। पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो ये डेसिमल प्लेस के आगे काफ़ी आगे तक जाती है, और ये कभी भी, इसका कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। 1, 4, 1, 9, और ऐसे 2, 5, 6, 1, 3, 0, कुछ भी चलती चली जाती है, और इसका कोई अपना पैटर्न नहीं होता। सो ये भी एक इरेशनल नंबर है। सो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। नाउ वी विल सी दैट इरेशनल नंबर्स के लिए क्या फ्लो चार्ट है। नाउ देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। सो डेसिमल एक्सप्रेशन या तो वे टर्मिनेट कर जाएं और या ना टर्मिनेट करें। सो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट भी कर सकते हैं, रुक जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकें। तो अगर टर्मिनेटिंग है, जैसे टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि 2.5,
टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के आगे आगे गया ही नहीं, तो 2.5, या फिर ऐसा हो सकता है 1.75, ऐसा भी हो सकता है रुक गया। ये भी हो सकता है कि 2.356 यहाँ रुक गया। तो ऐसे सारे नंबर्स, इसको आप चाहें तो 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 175/100। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2356/1000। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेशंस टर्मिनेटिंग होते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर कहते हैं, बिकॉज दे आर इन पी बाई क्यू फॉर्म, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं है, नीचे की चीज जीरो नहीं है। तो ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म को, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, और क्यू जीरो भी नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हुआ। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रेकरिंग हो। रेकरिंग का क्या मतलब है, रिपीटिंग, या फिर नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग का क्या मतलब है, नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1.26 26 26, ऐसे 9th में इस तरीके के हमने क्वेश्चन किए हैं। तो ऐसे केस में हम इसको x मान लेते थे क्योंकि रिपीट हो रहा है, और फिर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि जितने डिजिट रिपीट होते हैं उससे उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल के बाद। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से कर दिया, तो ये 126.2626 ऐसे चलता चला जाएगा। फिर इसके बाद 100x - x कर देते थे, तो यहां पर क्या होता था, 100x की क्या वैल्यू है, 126.26 का रिपीटिशन बार -1.26 का बार, तो डेसिमल के बाद तो 2626 सारा कट जाएगा, और यहां पर ये 125 बच जाएगा, 126 में से 1 गया तो 125 बच गया, यहां पर 99x। सो दिस इज 125/99, ऐसा हो गया। तो यहां हम देखते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन रुक ना भी रहा हो लेकिन वो रिपीटिंग हो तो भी वो रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, यहां पर आप देख रहे हैं ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसमें जो नीचे का क्यू है उसमें 2 एंड 5 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 99 है, तो 99 3 × 3 × 11, जबकि जो रुक जा रहा है उसमें क्यू की वैल्यू 2 × 5 के फैक्टर्स के तौर पर ही होगी, 2 × 5, 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो जो रुक जाएंगे उसका क्यू की वैल्यू हमेशा ऐसे प्राइम फैक्टर्स होंगे जिसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, और जो नहीं रुकेगा उसके ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें 2 5 के अलावा और भी बहुत सारे आएंगे, 3 7, उस चीज को हम आगे देख लेंगे, और दैट वी विल सी लेटर ऑन। हाउएवर, अभी तक हमने देखा कि रेशनल नंबर कौन से हैं, ये रेशनल हो गया है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, जो रुक जाए वो भी रेशनल, जो ना रुके लेकिन पैटर्न हो रिपीटिंग पैटर्न वो भी रेशनल। हाँ, जो रुके भी ना और उसका अपना कोई पैटर्न भी ना हो तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, तो √2 1.414
3261925, इसका कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, आर्बिट्रेरिली चलता चला जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम बना ही नहीं सकते जैसे यहाँ बनाया है। रूट थ्री 1.732198560, इसका भी कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं। पाई 3.1419625811, इसका भी कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं, तो इसलिए इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं किया जा सकता। एंड दीज आर इरेशनल नंबर, जो नॉन रिकरिंग हो, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या बात कही गई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, देख लीजिए। रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो फिर से देख लें, ऐसा कहा जा सकता है कि जो नंबर्स हो सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी के आधार पर रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल है तो ये दो तरीके का होगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीट करेगा। जबकि इरेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इट वॉज बेसिस ऑफ बाइफर्केशन ऑफ नंबर, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन वॉज द बेसिस। अब हम आगे देखते हैं। सो लेट अस सी थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 कहती है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ये देखिए थ्योरम 1.3, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ये बात कही गई। सो इसको हमें प्रूव करना है, इसको समझना भी है और प्रूव भी करना है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, जैसे कि हम ये बात कह दें कि 36, 36 को क्या लिखा जा सकता है? पहले एग्जाम्पल से समझ लें कि ये क्या कहना चाहता है। 36 को 6 स्क्वायर कह सकते हैं। सो इसको 2 × 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 2 × 3, वही चीज। सो यहां पर आप देखिए, ये जो 36 है, अगर मान लीजिए 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, 6 स्क्वायर कुछ नहीं है, 36 है, तो अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत आसान है, क्योंकि जो किसी के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं तो उस 6 के भी तो वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। इफ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 3 इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो 3 तो इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 2 भी है।
सो ये इसके फैक्टर्स हुए। सो इफ, और यहाँ पर ये भी कहा गया है पी बी ए प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर ही उठाना है आपको इसमें से, 2 3। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 3 × 3 divides 6 square, क्योंकि 3 × 3 तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो 9 divides 6 square ये बात सही है, लेकिन 9 फिर 6 को नहीं करेगा। हमें कोई प्राइम नंबर लेना है, प्राइम का मतलब इनमें से कोई भी एक लेना है, 2 या 3 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने से वो कंपोजिट बन जाएगा। यदि कोई प्राइम नंबर किसी के, कोई भी एक प्राइम नंबर ले 2 या 3, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर वही उनमें से कोई भी नंबर 6 को भी डिवाइड करेगा। ये बात सही है, क्यों? क्योंकि इफ 3 divides 36, 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 3 also divides 6। इस चीज को हमें प्रूव करना है कि यदि प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को करेगा तो उसको भी करेगा। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स प्रूफ। देखिए, लेट प्रूफ, लेट ए इज सम पॉजिटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए आर P1, P2, P3, ऐसे लेकर PN हैं। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये मान लेते हैं ए कोई एक कंपोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये अगर इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो इसको हम P1, P2, P3 टू PN ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, एंड ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? P1 × P2 × P3 टू PN का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 × P2 × P3 टू PN × P1 × P2 × P3 × PN, इसी का स्क्वायर था, दो बार लिख दिया। एज पी डिवाइड्स, हमारी थ्योरम में दिया था कि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्रूव करो वो ए को भी डिवाइड करेगा। सो ये हमारी थ्योरम 1.3 है। नाउ इट इज गिवेन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं? यही सब तो प्राइम नंबर्स हैं। सो पी इज वन ऑफ द, पी क्या होगा, वन ऑफ द P1, P2, P3 to PN, इन्हीं में से कोई है, क्योंकि यही इसके फैक्टर्स हैं और वो यही इसको डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स तो यही हैं। तो पी इज वन ऑफ दिस, पी इनमें से कोई एक है, या तो ये होगा या ये होगा ये होगा ये होगा, तो कोई एक है। दीज आर कौन, दीज P1, P2 to PN आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ ए, सो पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। देखिए, यदि पी, पी इनमें से कोई है, कोई भी ले लें आप, P2 ले लें, P2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P2 जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P2 ए को भी डिवाइड कर देगा, क्यों? क्योंकि वो ए का भी प्राइम फैक्टर है। तो ये बहुत आसान थ्योरम है कि यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर के बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और पी उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है,
तो पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि पी इन्हीं में से कोई एक है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ये सारे फैक्टर्स ए में भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये ए को भी डिवाइड करेगा। हेंस प्रूव्ड। सो लेट अस रिकैपिटुलेट एंड और रिपीट द थ्योरम अगेन। लेट पी इज ए प्राइम फैक्टर एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। लेट अस मूव अहेड विथ थ्योरम 1.4। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। इसको हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। प्रूफ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या, इस चीज को मैं आपको बता दूं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में अगर हम मान लें कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा मान लें, और फिर दोनों ही तरफ से 2 + 2 में से 2 इधर सब्ट्रैक्ट करो और 5 में से 2 इधर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और 2 = 3, जो कि प्रूव नहीं है। हमने इसे लेट कर लिया, और लेट करने के बाद हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो कि गलत है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप नॉट इक्वल टू ना लगा के सीधा 2 = 3 लिखें। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो आवर एजम्पशन इटसेल्फ वॉज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग, हेंस 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5। ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, इसीलिए ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने जब इसे माना तो हम एक गलत नतीजे पर पहुंच गए। हमने दोनों तरफ से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया और ऐसी चीज़ पर पहुंच गए जो सत्य नहीं है। तो इसलिए जब ये सत्य नहीं है तो जो हमने माना था वही गलत होगा, तो इसलिए 2 + 2 5 नहीं। इस चीज़ को कहते हैं विरोधाभास की विधि। इसके द्वारा हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल नंबर। हम गलत मानते हैं, अगर हम इसे कुछ मान ले रेशनल मान ले, वैसे तो रूट टू ही रेशनल है, और हम एक ऐसे गलत नतीजे पे पहुंच जाएंगे जहां से हम कह देंगे कि ये चीज सत्य नहीं है, इसलिए जो हमने माना था वही गलत है, इसलिए रूट टू इरेशनल हुआ ना। लेट रूट टू इज रेशनल नंबर, सबसे पहले ये मानिए हमने गलत चीज मान ली मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के लिए। Now, अगर ये रेशनल है देन रूट टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर p एंड q, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट फैक्टर कर दिया है, अब इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि हम ये कह दें कि 7/13, 7 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। वैसे चाहें तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 और 26, तो ये अब को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, जबकि ये दोनों नंबर 7 और 13 को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। तो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है और ये मान लिया है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
उसको सिंपलेस्ट तो किया ही जा सकता है, किसी भी रेशनल नंबर को तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने रूट टू को चूंकि रेशनल माना था तो इस लिहाज से उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, और ये भी हमने लिख दिया कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और हमने इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर करिए और इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू इट इज रूट टू इंटू टू, और जैसा कि हमने हीरोन्स फार्मूला में पढ़ा है कि जब अंदर कोई पेयर बनता है तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से रूट टू के स्क्वायर को हमने टू लिख दिया और साथ ही साथ क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, इट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब देखिए तो हमने देखा कि पी स्क्वायर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टू भी है क्यू भी है क्यू भी है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो टू इसका प्राइम फैक्टर है, क्यों? क्योंकि टू प्राइम नंबर होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को, जैसे आप 18 को 3 × 3 × 2 लिखते हैं तो 3 इसका प्राइम फैक्टर है, 3 डिवाइड करता है 18 को। इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, हमने किसी एक नंबर को लिखा है दिस, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, जब इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले हमने ये बात देखी थी कि कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, भाई जैसे पी टू इसको डिवाइड कर रहा है तो पी टू ए को भी करेगा। सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर हेंस बाई थ्योरम 1.3 टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, 2p को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2p को डिवाइड करेगा तो p का एक फैक्टर 2 होगा और दूसरा कुछ भी मान लो एक इंटीजर c, 2 तो होगा उसका फैक्टर, क्योंकि 2 जब p को डिवाइड कर रहा है तो 2 उसका फैक्टर बनेगा। सो 2 इंटू सी, वेयर सी इज सम इंटीजर। अब ये जो पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी है इसको हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, इसमें पी की जगह 2c डालेंगे। तो ये वैल्यू जो है इसमें डालिए, देखिए नाउ 2q² 2q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो 2q² इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। सो 2q² इज इक्वल्स टू 2c × 2c, 2c × 2c तो क्या हो जाएगा, 2c × 2c, सो इट बिकम्स 4c² नाउ इट बिकम्स 4c² नाउ 2 2 कट जाएगा, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c² बाई 2। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c². अब देखिए ये 2 एक प्राइम नंबर है और क्यू स्क्वायर का फैक्टर भी है, तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सो इस वजह से क्यू 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, हेंस 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, क्योंकि जब कोई प्राइम नंबर किसी की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा थ्योरम 1.3 के माध्यम से है कि कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमने देख लिया था कि 2 डिवाइड्स
पी ऑल्सो, ये देख लीजिए, कोई भी चीज अगर पी स्क्वायर को करी तो टू पी को कर रहा है, और यहां हमने देखा टू डिवाइड्स क्यू, टू क्यू को भी कर रहा है। सो टू डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दोनों को डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। सो जब दोनों को ही डिवाइड कर रहा है तो पी और क्यू को प्राइम नहीं हुए। सो पी एंड क्यू, यहां पर आपने देख लिया दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। फिर ये को प्राइम नहीं हुए क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया टू डिवाइड्स बोथ, तो फिर कैसे को प्राइम हुए। अभी हमने आपको यहां दिखाया था कि जैसे इन दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं है, तो वहां पर भी पी और क्यू का है, और शुरू में हमने माना था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो अब कंट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया, देयर इज ए कंट्राडिक्शन या दिस इज कंट्राडिक्शन। सो आवर इनिशियल एजम्पशन जो हमने शुरू में माना था इट सेल्फ इज रॉन्ग, सो रूट टू इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमने कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया कि हमने कुछ चीज मानी और देखा कि लास्ट में कि कंट्राडिक्शन आ गया, तो कंट्राडिक्शन की वजह से हमने मान लिया, इसलिए हमारा जो शुरुआती एजम्पशन था वही गलत है, क्योंकि शुरू में हम उसे को प्राइम मानते हैं और बाद में आ जाता है कि टू दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो को प्राइम नहीं है, तो शुरू में माना और बाद में आ गया नहीं है को प्राइम, तो ये तो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। सो इसलिए चूंकि यहाँ विरोधाभास आया है इसलिए जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए रूट टू एक इरेशनल नंबर है। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू।